हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी मैथ्स के लिए हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी, इसमें सीपीओ की हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 5 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें 65 क्वेश्चंस हमने वो डिस्कस किए जो एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या तो फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ और आज इसमें 65 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन हम कर चुके थे उसमें और ये 66 क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं है। सारे क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अभी आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इफ साइड ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है, ये क्यूबॉइड की साइड दे रखी है आपको, तो ये वॉल्यूम हो गया एल इंटू बी इंटू एच। तो 8 × 8 × 16 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब 2। क्यूब का क्या होता है, अगर साइड को हमने ए मान लिया तो ए क्यूब हो गया ये वॉल्यूम इसका, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी ए क्यूब अगर ये है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ए 8 आया, किसकी साइड आ गई, क्यूब की साइड आ गई है, ठीक है। अब इसका निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8a² मतलब सॉरी 6a² होता है फॉर्मूला, तो 6 ये हो गया, 8 a की वैल्यू हो गई 8 का होल स्क्वायर, यानी 6 × 64 कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर निकल आएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ना फॉर्मूले अगर पता होंगे तभी आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, तो आपको कंबाइंड का दे रखा है, कंबाइंड दे रखा है, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/20 दिया है आपको, ठीक है। ए कर रहा है 30 में, तो 1/30 प्लस बी इज इक्वल टू 1/20, तो बी इक्वल्स टू कितना होगा 1/20 माइनस 1/30, ऐसे हम ले लीजिए कितना आ जाएगा 60, 1/60, ठीक है। तो कितना आ जाएगी बी की वैल्यू, यानी कि 60 दिन अकेले करेगा तो, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 एग्जाम में भी आया है और इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसे ध्यान से समझिएगा इसको। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स, देखिए हम इसका फिगर भी बनाते जाते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ए जो है वो एक्स से स्टार्ट करता है, ठीक है, ए, और बी स्टार्ट करता है वाई पॉइंट से। सपोज बी यहां से स्टार्ट कर रहा है या यहां डायरेक्ट यहां पे लिख दो, चलो बी जो स्टार्ट कर रहा है वो वाई पॉइंट से, इसको वाई मान लो, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है। आप कह रहा है कि एट द स्पीड ऑफ 70 km/h एंड 80 km/h रिस्पेक्टिवली, यानी ए की स्पीड दे रखी है और बी की स्पीड दे रखी है। तो ए की स्पीड दे रखी है 70 km/h और बी की स्पीड दे रखी है 80 km/h, ठीक है। अब ये कह रहा है ए टेक्स 3 ब्रेक इन 10 मिनट ईच, हर 10 मिनट, मतलब 3 ब्रेक लेता है 10 मिनट के, ठीक है। ए ने जो लिए, कितने ब्रेक लिए, 3 ब्रेक्स 10 मिनट ईच, यानी कि उसने कितने ब्रेक टोटल ले लिए, 30 मिनट का ब्रेक उसने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, 30 मिनट का ब्रेक उसने ले लिया है।
और बी जो लेना है वो चार ब्रेक लेना है, फोर ब्रेक और 15 मिनट का ईच, यानी कि 15 चौक 60, यानी कि 60 मिनट का इसने ब्रेक लिया। बी ने 60 मिनट का ब्रेक लिया, ए ने 30 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो 8.5 घंटे में पहुंच गया है टू रीच बी पॉइंट बी, ठीक है। तो जो ये वाला है वो बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 8.5 घंटे ले रहा है ए। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि ए जो है वो 8.5 घंटे ले रहा है और इसमें 3 ब्रेक भी इंक्लूडेड है, तो ए को टोटल कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। इसमें माइनस कर दीजिए तो चल टोटल निकल आएगा इसका, तो 8.5 घंटे टोटल ले रहा, उसमें से आधा घंटा माइनस कर देंगे तो ए को टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटे चलता रहा वो, मतलब हमने ब्रेक हटा दिया इसमें से, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकाल लें यहाँ से आते कि कितनी है, तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो स्पीड कितनी है ए की, 70, टाइम कितना है किलोमीटर पर आवर में है ये, और टाइम कितना लिया 8, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 7×8=56, 560 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब यही डिस्टेंस उसको कितना टाइम लगेगा, तो इससे आप टाइम निकाल लीजिए, यानी कि 560 और इसकी स्पीड दे रखी है 80, ये कितना हो जाएगा 8×7=56, 7 घंटे ये, और टोटल कितना टाइम लगा उसको, 1 घंटा उसने ब्रेक भी लिया, टोटल टाइम कितना लिया उसने, तो 1 घंटा ब्रेक लिया, यानी कि इसमें +1 कर देंगे, यानी टोटल 8 घंटे इसको लग गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 69 पे, ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कम रेडियस। अब देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री और स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू रूट थ्री, और कैपिटल आर स्मॉल आर है क्या ये समझ लीजिएगा। इसमें पूछा गया है, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक, इसके अंदर एक सर्कल बना है, तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स से होता हुआ एक सर्कल बना दे यहां से ऐसे, तो ये वाला जो ये डिस्टेंस है ये कैपिटल आर हो गया। अंदर वाले को कहते हैं इन सर्कल और बाहर वाले को कहते हैं सर्कम सर्कल, तो जो कैपिटल आर है वो क्या है, सर्कम रेडियस है, ठीक है। और साइड इसकी दे रखी है 12, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री लगेगा क्योंकि कैपिटल R पूछा गया है, 12/√3 हो गया ये, और ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या रूट थ्री को अगर हटाना है तो √3 से इंटू और √3 से डिवाइड दोनों तरफ करना पड़ेगा ऐसे, तो ये हो गया 3×3=12, यानी कि 4√3 इसका आंसर भी, ये भी करेक्ट है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, ए जो है वह किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने पूरा लिखा भी नहीं है, हमने समझा दिया आपको, आपको तीनों का एक साथ निकालना है, आपको सिंपल ये सॉल्व कर लीजिएगा, 1/10 + 1/15 + 1/20, सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा 6 + 15 चौक 60, 20 3 60, ठीक है, 6 4 10 3 13, 13/60। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 16/30, ये आंसर हो गया, ठीक है। इतने डेज उस लगेंगे तीनों को सॉल्व करने में, मतलब तीनों अगर करेंगे किसी काम को तो इतना टाइम उनको लग जाएगा, इतने दिन, क्योंकि यहाँ डेज दिया है तो आंसर डेज में ही आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, 71 में क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 40 सेंटीमीटर, हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पहले सर्कल बनाया, फिर एक कॉर्ड बनाई, कॉर्ड है टोटल 40, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर ये है,
ये डिस्टेंस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और आपको बताना क्या है, रेडियस बतानी है। देखो इसको सिंपल आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सेंटर को हमने ओ मान लिया। अगर ये टोटल कॉर्ड जो है 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर और प्लस 20 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर है। पहले इसका स्क्वायर करिएगा, फिर प्लस करके इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 क्वेश्चन कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2। मतलब कि रेक्टेंगल की ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। एक रेक्टेंगल है जिसकी रेशियो दे रखी है, अगर ये 3x है तो ये 2x है। एरिया दे रखा है इसका 150 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3x इंटू 2x, और दैट इज इक्वल टू किसका होगा, 150। आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 150 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 × 5 = 15, 25 यानी एक्स आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी, एल है 3x, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है 2x, यानी कि 2 × 5 = 10। अब इसका निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का बताइए, पेरीमीटर होता है 2l + b, तो 2l हो गया आपका 15 और b हो गया 10, यानी 2 × 25, यानी कि 50 आंसर आ गया इसका, 50 पेरीमीटर इसका निकल आया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पुलिसमैन सॉ थीफ एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ठीक है। ये पुलिस है, ये थीफ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। दे स्टार्टेड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर/आवर है, और इसकी स्पीड जो है थीफ की 17 किलोमीटर/आवर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट, मतलब 8 मिनट के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिफरेंस पूछा गया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस पूछा गया है। अब आपको कैसे निकालना है, 8 मिनट में ये कितना भागेगा, 8 मिनट में ये कितना भागेगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर हम इसको d1 मान लेते हैं तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड हो गया 20, 8 मिनट भागा है तो मिनट है ये, ये किलोमीटर पर आर है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आर है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18, और टाइम तुम्हारा 8 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही d2 निकाल लेंगे, स्पीड हो गई 17 किलोमीटर/आवर है और 5/18 से इंटू कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ गया, और 8 × 60 इसको भी कर दिया। अब ये डिस्टेंस पुलिस ने कवर की, ये डिस्टेंस चोर ने कवर की, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो कैपिटल डी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 8 भी कॉमन है, 60 कॉमन है, 5/18 कॉमन है ना, तो 5/18 इंटू 8 इंटू 60 इंटू, देखो 20 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, इसे सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा, 6 से कट किया, 6 × 3 = 18, 3 से कट हो गया, अब ये इंटू हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 10 = 400, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस है इतने मीटर निकल आई, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें 500 का कोई रोल नहीं है। ये तब लेते हैं जब पूछ लेता है कि कितने बजे मिलेगा, कितने टाइम बाद पकड़ेगा, या चोर कितने मीटर भागा, इस कंडीशन में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वैसे भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो थीफ और चोर का, थीफ और पुलिस का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। अब है इसके बाद 74 नंबर, 74 क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, अगर आपको तरीका पता है तो
ओरल कर सकते हैं, बस ये समझ लीजिए। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वन है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये भी वन आ गया, यानी कि डी जो है वन है। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, ये इज इक्वल टू 3d² तो 3 × 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 3। ठीक है, अब 75 क्वेश्चन भी देख लीजिए। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 12, 8 and 6 सेंटीमीटर। और इसमें क्या बताना है, जैसे एक हमने रूम बना लिया जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें पेंटिंग करनी है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। तरीका बता रही हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालने के लिए इसमें व्हाइट वॉल्स की कॉस्टिंग बतानी है। सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा, 2l + b × h, यानी कि 2 12 + 8 × 6 कितना हो जाएगा, 12 8 20 × 6 6 2 12 2 24 240 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो 4 वॉल का एरिया हो गया। अब आपको ऊपर रूफ का भी एरिया निकालना पड़ेगा, रूफ का, रूफ में क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लग जाएगा। तो एरिया ऑफ रूफ 12 × 8, ठीक है, 96 हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया जो पेंट करना है 240 + 96, अब इसको प्लस कर देंगे जो भी आएगा टोटल एरिया आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे और फिर 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्टिंग निकल आएगी। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि जो भी आएगी वैल्यू 7.50, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस सीरीज 6 में हमने 75 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट जरूर लिखिएगा, ये इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो जरूर लिख दीजिएगा, हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत।